हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काउट गाइड कैंप में आपको कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना जरूरी होता है और सात दिन तक आपका मोबाइल बंद रहने की बात कितनी सच है तो इसके बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां हम देखते हैं आवश्यक सामग्री क्या है आवश्यक सामग्री में प्रत्येक शिविरार्थी को अपने साथ मौसम के अनुसार बिस्तर लाने हैं और बदलने के कपड़े लाने हैं नित्य उपयोगी सामग्री लानी है जैसे खाना खाने के और चाय पीने आदि के बर्तन भी लाने हैं पेन pen, पेंसिल लाने हैं नोटबुक आदि ला दी हैं स्केच पेन टॉर्च तीन मीटर सूत की रस्सी पर लानी है सुई डोरा बटन राजस्थानी पोशाक यूनिफॉर्म के सही पूर्ण दो सेट यूनिफॉर्म के यहाँ पर एक ही सेट आपको लाया जाता है दो की कोई ज़रूरत नहीं होती है इतनी कोई खास यहाँ पे आप अन्य कपड़े भी ले आते हैं तो यूनिफॉर्म एक चल जाती है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो एक सेट आपको यूनिफॉर्म पर लाना है और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें आगे तो गाइड पोशाक तो आपको लानी है और गर्ल्स के लिए यहाँ पर ब्लू रंग की साड़ी लानी है काला पेटी कोट यहाँ पर सफ़ेद शर्ट यहाँ पे दो जेब डक्कनदार होनी चाहिए स्पोर्ट्स कॉलर होनी चाहिए और कंधे पर यहाँ पर शोल्डर लगे हुए होने चाहिए मोजे स्क्रीन रंग के हों और काले जूते बिना फीते वाले काले जूते दोस्तों किसी किसी कैंपे में बिना काले जूतों के यानी कि नॉर्मल शूज से भी काम चला देते हैं बट कुछ में दोस्तों रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ पे काले जूते ही आपके काम में लिए जाते हैं आगे हम देखें यहाँ पे ब्राउन बेल्ट नाइलॉन के और स्कॉप ग्रुप के रंग को बोगल सहित जूड़ा बनाने की सामग्री आदि गर्ल्स को लानी है और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें आवास व्यवस्था तो सभी शिविरार्थी की आवास व्यवस्था टोलीवार तंबुओं में की जाएगी शिविर में पूरे समय रहना आवश्यक होगा शिविर में पूरा समय यानी कि आपको चौबीस घंटे वहीं पर रहना होगा और कुछ जगह क्या होता है दोस्तों तंबुओं में आपको रखा जाता है यानी कि छोटी छोटी हट्स बना दी जाती है तो उनमें रखा जाता है और कुछ में दोस्तों थोड़ा थो सा ऐसे मकान टाइप होते हैं तो वहां पे उनको ऐसे धर्मशाला आप उन्हें कह सकते हैं तो उनमें आपको रखा जाता है नेक्स्ट हम यहाँ पे विशेष सूचनाएं देख लेते हैं तो शिविर अवधि में किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा यानी कि आपको सात दिन चौबीस घंटे वहीं पर रहना होगा चौबीस सा, इंटू सात आपको वहीं पर रहना होगा और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो शिविर प्रारंभ होने के प्रथम दिन प्रातः ग्यारह बजे तक शिविर स्थल पर पहुंच जाना है और शिविर संचालक को अपनी उपस्थिति देनी है अंतिम दिन में साय तीन बजे तक आपको छोड़ा जाएगा यानी कि सात दिन बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें अपने संस्था प्रधान से शिविर हेतु कार्यमुक्ति पत्र साथ लेकर आना है तो कार्यमुक्ति पत्र आपको कॉलेज से मिल जाएगा तो वो भी आपको साथ में लेना है और इसके बारे में ज़्यादा आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लें चौथी बात आप यहाँ पे देखते हैं अगर आप आपकी संस्था में महिला व्याख्यता नहीं है तो संभागियों को न भिजवाएं क्योंकि महिला व्याख्याता के बिना सहभागियों को शिविर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि महिला अभ्यर्थियों का जो कैंप होगा उनमें सिर्फ लेडीज अध्यापिका ही उनकी होनी चाहिए तो इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर शिविर में मोबाइल उपयोग करना मना है मोबाइल आपका सात दिन बंद रहने वाला है सात दिन आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं कि छठा है यहाँ पे शिविर में उपस्थित सभी संभागियों को मास्क में रहना अनिवार्य है शिविर में आने वाले संभागी पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए और वैक्सीन का प्रमाण पत्र साथ लाएँ बिना शिविर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा वैक्सीन अगर आपने लगवा रखी है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए तो दोस्तों सारी बातें हमने नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पे कर ली है उम्मीद है आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ